दोस्तों, विश्व कप 2023 के एक महा मुकाबले में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। विश्व कप के इस बड़े मुकाबले में कुशल मेंडिस और सदीरा समर विक्रमा के शतकों पर भारी पड़ा अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान का शतक। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर विश्व कप में रचा इतिहास। तो वही इस मुकाबले में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमामुल हक ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के इस बड़े मुकाबले में जीतने के साथ ही कई बड़े रिकॉर्ड बन गए। तो चलिए उन खास रिकॉर्डों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड इस मुकाबले में बने। आज की इस वीडियो में हम इस मैच की पूरी हाइलाइट्स और श्रीलंका की इस बड़ी हार का मुख्य कारण के बारे में भी बतलाएंगे। लेकिन ये जानने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि विश्व कप 2023 की पूरी जानकारी आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, विश्व कप के इस मुकाबले में पाकिस्तान ने 344 रनों का सफर रन चेज करके इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान ने 1992 विश्व कप के बाद इतना बड़ा रन चेज इस साल 2023 में किया है। पाकिस्तान ने 1992 में इमरान खान की कप्तानी में 353 रनों का सफर रन चेज किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने कभी भी किसी विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए 265 रनों की आंकड़े को भी नहीं छू सका था। लेकिन इस बार बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 345 रन बनाकर एक इतिहास रच दिया है। वहीं पर इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुशल मेंडिस 122 रन 77 गेंदे तथा सदीरा समर विक्रमा के शानदार 108 रन 89 गेंदे तथा पिथुम निशांक का 51 रन 61 गेंदों की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 9 विकेट के नुकसान पर 344 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया। लेकिन पाकिस्तान ने सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक 113 रन 103 गेंदे तथा मोहम्मद रिजवान नबाद 131 रन 121 गेंदों की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत यह सफर रन चेज मात्र 48.2 ओवर में ही प्राप्त कर लिया। तो वहीं पर इस मुकाबले में श्रीलंका के तरफ से कुशल मेंडिस 122, सदीरा समर विक्रमा 108, पिथुम निशांका 51 तथा धनंजय डिसिल्वा ने 25 रनों की पारी खेली तथा वहीं पर पाकिस्तान की ओर से हसन अली ने 10 ओवर में 71 रन देकर 4 तथा हारिस रोब ने 10 ओवर में 64 रन देकर 2 सफलताएं अर्जित की। तो वहीं पर पाकिस्तान के तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 131, अब्दुल्ला शफीक ने 113, सऊद शकील 31 तथा इफ्तिकार अहमद ने नबाद 22 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर श्रीलंका के तरफ से दिलशान मधुशंका ने 9.2 ओवर में 60 रन देकर कुल 2 सफलताएं अर्जित की। तो वहीं पर मथीसा पथिराना एक बार फिर से काफी महंगे साबित हुए तथा 9 ओवर में कुल 90 रन खर्च किए। इस मुकाबले में पथिराना का इतना महंगा साबित होना तथा श्रीलंका को समय पर विकेट न लेना सबसे बड़ा हार का कारण रहा। तो वहीं पर इस मुकाबले में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमामुल हक ने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। हालांकि इमामुल हक इस मुकाबले में मात्र 12 रन ही बनाए, लेकिन वो एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने के मामले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए हैं। बाबर आजम ने सबसे तेज 3000 रन 68 पारियों में पूरे किए हैं, जबकि इमामुल हक ने 3000 रन मात्र 67 पारियों में ही पूरा कर लिए हैं और अब वो साई होप के साथ सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पे आ गए हैं। आपको बता दें, वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड हासिम अमला के नाम दर्ज है। हासिम अमला ने 3000 रन मात्र 57 पारियों में पूरे किए थे। इसके अलावा विवियन रिचर्ड्स ने 69 पारी तथा भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 75 पारियों में 3000 रन पूरे किए हैं। तो वहीं पर इस मुकाबले में मोहम्मद रिजवान के नबाद 131 रनों की शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।